अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद सुरेश के साथ। ये हमारे घर में भिंडी पक रही है, ये मगरिब का टाइम भी होने वाला है। ये हमारी अम्मी जान भिंडी काट रही है, आज हम शाम में भिंडी खाएंगे। ये प्याज है, ये अब भिंडी है, साथ अंदर ही डाला जाएगा टमाटर, सब मिक्स साथ पकाई जाएगी। ये टमाटर काटे जा रहे हैं, ये प्याज काटे जा रहे हैं। ये धनिया कट रहा है, अब ये भी आग जलेगी। सब्जी हो गई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हमारी अम्मी जान बोल रही है ये पकने में टाइम लगेगा। ये अब तेल डल रहा है, तेल डल चुका है। ये नमक डल रहा है, आधी चम्मच नमक, मिर्च एक चम्मच डालिए, पुदीना मिर्च, ये हल्दी आधी चम्मच डालिए अम्मी ने। अब ये धनिया डाला एक चम्मच अम्मी जी ने हमारी, ये अब हिला रही है अम्मी जी हमारी। अम्मी जी मिली डाल ली, अम्मी जी बोल रही है लेस जो है वो नहीं हो रही है, मिली को मिली डाल ली, आपको नजर आ रही है ये हिला जा रहा है इसी तरीके से। आप ये 15-20 मिनट अम्मी जी बोल रही है हमारे, ये रोटी बेली जा रही है। अब गैस बंद हो गई है, अब हमारे घर पे सिलेंडर चालू कर दे, तवा रखा हुआ है। हमारी अम्मी जी जो है रोटियां पका रही है अब चैनल चखले पे। हमारी भतीजी बेटी भी अफसा ये बोली मुझे भूख लगी है भाई, रोटी बना ले दो भाई, दादी को बोले, दादी बना रही है। सही ज़्यादा गया है, हमारी भतीजी बोली मैं खुद को नीक जरूरी है। दूसरी रोटी पेड़ा गुना जा रहा है, वो दादी का
से आम की पेटी आई है, ये हमारे अपने बाग की। ये देखें, मैं आपको आम निकाल के दिखाता हूँ। ये हमारे बाग में चौसा आम भी लगते हैं, मछली आम लगते हैं हमारे बाग में। कैसे बनी बच्चों भिंडी? आप नहीं खाएंगे? अफसा कैसी है? आम खाओ, आम खा लो, मजे की है। तो ये तो आप सारी रोटियां खा जाओगी हैं? अनाया आप भी आ जाओ बेटा, खा लो। बैठो सही से, बैठो इधर आके बैठियो, इधर आके बैठियो। भाई टांग आए, भाई टांग आना है यार।